हेलो दोस्तों, लाइफ ऑफ साउथ इंडियन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ ऊटी। मेरे परिवार से कुछ लोग आए हुए थे जो कि हैदराबाद से है। वहाँ पर तो इतनी सारी गर्मियाँ हैं, तो उन लोगों को सोचा मैंने ऊटी घुमा दूँ, तो इसलिए यहाँ पर लेकर आई थी। यहाँ का टेम्परेचर इतना ठंडा था कि सुबह सुबह ना यहाँ पर 13 डिग्रीज था। यहाँ पर जो भी आए तो थोड़ा सा गर्म कपड़े लेकर आए तो अच्छा होगा। वो लोग सोचे थे कि कुछ नहीं होगा, हाँ ठंडा रहेगा बस, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला है कि ऊटी कितना ठंडा होता है। तो इसलिए यहाँ पर आए थे। नज़ारे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मानसून शुरू हो रहा था जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा सा बारिश भी हो रही थी, और मैं और मेरी बेटी कुछ इस तरह के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाल रहे थे। और हम लोग आए थे कर्नाटका श्री हॉर्टिकल्चर गार्डन में, जो कि इतना सुंदर सा था, इतना सुंदर सा था। देखिए इसकी कटिंग भी इतनी अच्छी सी थी, बहुत मेंटेन था, इतनी सी भी गंदगी आपको देखने को नज़ारा नहीं मिलाएगा वहाँ पर। तो सुंदर सा नज़ारा है। यहाँ पर ए पार्क जाना बिल्कुल ना भूले। हम लोग इतना सा ऊटी कवर नहीं कर पाए थे, लेकिन जितना भी देखे थोड़ा सा मतलब सेटिस्फाइड थे कि हाँ कुछ तो देखा हम लोगों ने वहाँ पर। देखिए फूल वूल वहाँ का घास हो कुछ भी हो, बाप रे बाप, बहुत सुंदर लग रहा था। कि ऊटी में तो ये सेकेंड टाइम था मेरा, लेकिन फिर भी इतना सुंदर सा मैंने पहली बार देखा मुझे लग रहा था। लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं मिला क्योंकि हम लोग एक दो दिन वहाँ पर गुजारे थे। एक दिन तो पूरा बारिश में ही चला गया और दूसरा दिन ऐसा था। तो वहाँ से वो गार्डन घूमने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए कि बोट हाउस है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोटिंग वोटिंग करने के लिए हम लोग आए हुए थे। तो सुंदर सा लेक था यहाँ पर भी ना, गर्मी के कारण शायद बहुत सारे मछलियाँ ना मरे हुए दिख रहे थे। पता नहीं क्यों मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन हम लोग ने एक लिए थी एक बोटिंग राइड, जो कि ये भैया जो बोट चला रहे थे वो मतलब बीच लेक में इस तरह बोट को हिलाते थे। लेकिन थोड़ा बहुत डरने वाले तो डरते हैं ना, इसीलिए। तो मेरी बेटी तो बहुत ही एंजॉय कर रही थी राइड, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सब लोग हिल डुल रहा था, डर रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। शी वॉज एंजॉइंग अ लॉट। देखिए किस तरह से आगे की आ रही है। तो नज़ारे तो बहुत खूबसूरत थे और वेदर भी बहुत अच्छा था और बहुत ही साफ था, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी। मतलब जो भी हो, बाहर के लोगों को इतना पसंद नहीं आ सकता है। देखिए वहाँ पर जो लेक था उसके किनारे इस तरह के कॉटेजेस थे, इसके तो बहुत महंगाई होती है। उसके एक दिन में तो हम उतने ही कवर कर पाए, और नेक्स्ट डे आए थे हम पेनी फॉरेस्ट, जो कि बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं यहाँ पर, पेने प्लांट बोलते हैं उसे। और उसे ख़त्म होते होते ही मतलब हम लोग यहाँ पर आ गए। इतना बारिश हो रहा था वहाँ पर और इस तरह के खूबसूरत नज़ारे मिल रहे थे। देखते देखे देखते देखते इस तरह से खूबसूरत सी हमारी ऊटी ट्रिप जो आपको कैसी लगी मेरी एंडिंग हो गई। अगर आपको अच्छी लगी तो बहुत लाइक, बच्चे बोल रहे थे कि दोबारा आएंगे। थैंक यू।